जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। तो एमएम एकेडमी ऐप पर ह्यूज डिस्काउंट चल रहा है, तो इसीलिए जल्द से जल्द सब्सक्रिप्शन लीजिए, क्योंकि ये जो डिस्काउंट है काफी ज्यादा है। अगर आप जाओगे एमएम एकेडमी ऐप पर तो आप डेमो लेक्चर जो है वो भी देख सकते हो, और उसी के साथ साथ जो प्लान्स मैंने यहाँ पर रखे हैं डिस्काउंटेड रेट में काफी कम है। तो इसीलिए जल्द से जल्द सब्सक्रिप्शन लीजिए, क्योंकि लिमिटेड पीरियड ऑफर है, और आज ही सब्सक्रिप्शन लीजिए जिससे कि आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। और आपको ये भी पता होगा कि जब आप एमएम एकेडमी का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आप पर्सनली मुझसे सवाल जो है वो पूछ सकते हो। पर्सनल डाउट क्लियरिंग लाइव सेशन होता है, जहां पर मैं आपके साथ जितने भी आपके डाउट्स होंगे वो क्लियर करता हूं, और ग्रुप में नहीं, इंडिविजुअली। तो इसीलिए अगर आपके कैसे भी क्वेश्चंस हो तो वो भी आप पूछ सकते हो बिना हिचकिचाहट के। तो इसलिए जल्द से जल्द सब्सक्रिप्शन लीजिए, क्योंकि इतने कम प्राइसेस आपको और कहीं दिखाई नहीं देंगे। मोर देन 50% डिस्काउंट आपको यहां पर मिल रहा है, जो जल्द से जल्द एनरोल कीजिए और सब्सक्रिप्शन लीजिए। तो यहां पर आप देख सकते हो कि एमएम एकेडमी ऐप को काफी ज्यादा रिफाइन भी किया गया है। अब आपको वहां पर जो स्पीड ऑप्शन है वो भी नजर आता है, उसी के साथ साथ जो पेमेंट गेटवे है वो भी काफी स्मूथ किया गया है। आपके लिए ईएमआई का जो ऑप्शन है वो भी अवेलेबल है, तो बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है पे करने के लिए। आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हो और वीडियोस को एंजॉय कर सकते हो। तो आइए हम यहाँ पर मोटिवेशनल कोट की तरफ आते हैं। तो देखिए कितनी शानदार बात यहाँ पर बोली गई है कि वर्क हार्ड इन साइलेंस, लेट योर सक्सेस वेक योर नॉइस। मतलब क्या है? मतलब यह है कि हमें जब तक सक्सेस नहीं मिल जाती है तब तक हमारी जो स्ट्रेटेजी है वो हम तक ही रखनी पड़ेगी। देखिए यूपीएससी एग्जाम या कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम होती है, ये टफ होती है। टफ इन द सेंस लोगों की नजरों में काफी टफ होती है, और इसीलिए तो आधे से ज्यादा लोग आप देखो तो प्रिपेयर ही नहीं करते हैं, क्योंकि उनमें वो करेज ही नहीं आता है कि हम प्रिपेयर करें। लेकिन आप में वो करेज है, आधी लड़ाई आप यहीं जीत चुके हो कि आप में एक करेज आ चुका है कि आपको इतनी जो टफ एग्जाम मानी जाती है उसके लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हो। और जब आप प्रिपेयर कर रहे हो, अगर आप उन लोगों को बताओ, उन लोगों के साथ डिस्कस करो जिनमें वो करेज नहीं है कि एग्जाम दे पाए, तो बट ऑब्वियस है वो आपको पॉजिटिव चीजें बताएंगे या नेगेटिव चीजें बताएंगे? नेगेटिव चीजें बताएंगे। और जब आपके अंदर नेगेटिव चीजें भरती जाएगी तो फिर बट ऑब्वियस है कि आप भी नेगेटिव होते जाओगे। आपके मन में सवाल उठेंगे क्या ये एग्जाम क्लियर हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। लेकिन पॉजिटिविटी के लिए आपको खुद के साथ रहना पड़ेगा, खुद के साथ टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, और खुद खुद को इवैल्यूएट करना पड़ेगा, तब जाकर अपने आप आपके अंदर पॉजिटिविटी आएगी। प्रैक्टिकलिटी के साथ अपने आप पॉजिटिविटी आती है। जब प्रैक्टिकल तौर पर सोचने लग जाओ, अगर आप हाइपोथेटिकल सोचोगे कि हाँ ये क्लियर होने के बाद ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, और फिर नहीं हो पा रहा है, अगर आपको जो आपकी टेस्ट सीरीज उसमें मार्क्स नहीं मिल पा रहे हैं, तो आप वहीं ठंडे पड़ गए, आप डिमोटिवेट हो गए। लेकिन अगर आप प्रैक्टिकली सोच रहे हो कि क्यों नहीं हो पा रहा है, क्या प्रॉब्लम्स है, क्या खामियां आ रही है, अच्छा उस पर काम करना है, तो अपने आप हो जाएगा। आप गोल जो है उस पर फोकस करो, लेकिन जो रास्ता है उसके साथ, ना कि रास्ते को भूल ही जाओ। मतलब हमें से वहां पहुंचना उसके बारे में सोच रहे हो, नहीं, रास्ते के बारे में सोचना पड़ेगा कि कौन सा रास्ता अपनाना है, कौन सा रास्ता मेरे लिए स्मूथ है, कौन से रास्ते से मैं यहाँ पर इजिली पहुंच सकता हूँ या पहुंच सकती हूँ। तो इसीलिए ये कब होगा, जब आप तक ही यहाँ पर कंसेंट्रेट रहोगे। जितना ज्यादा आप स्प्रेड होगे, जितना ज्यादा आप स्ट्रेटेजीज डिस्कस करोगे, उतना ज्यादा लोग तैयार बैठे हैं आपको डिमोटिवेट करने के लिए। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि जब भी एमएम एकेडमी ऐप पर भी मैं आपके साथ पर्सनल इंटरेक्शन करता हूं, तो आप में से काफी लोग डिमोटिवेशन के लिए पूछते हैं कि बार बार डिमोटिवेट हो जाते हैं, तो मैं आपको बहुत सारी तरकीबें बताता हूं जिससे कि आप खुद को मोटिवेट रख सको। इसीलिए मैं कहता हूं कि आप जो अपना काम है वो साइलेंस में कीजिए, आपकी जो सक्सेस है वो अपने आप नॉइज मचाएगी। अभी रिजल्ट आया है, अपने आप पता चल गया ना, अब तक पता था जो फर्स्ट रैंकर आया है, अब तक पता था उसके बारे में कुछ, किसी को कुछ नहीं पता था। अपने आप जब सक्सेस आ गई तो अपने आप स्प्रेड हो जाती है बातें। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आप काम साइलेंस में कीजिए, किसी को बताइए मत। तो आज हम 7 अगस्त का एनालिसिस देखने वाले हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल्स है हमारे पास, बहुत इंटरेस्टिंग है, मजा आ जाएगा आप सभी को। तो आप मुझे फेसबुक इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, पीडीएफ वीडियो अपडेट्स के लिए टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हो, लिंक सभी की डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। चलिए तो यहाँ पर मैप बेस्ड एक्सरसाइज आती है, तो यहाँ पर आपको जो कंट्री है उसका नाम बताना है, मतलब जो व्हाइट आइलैंड है वॉल्केनिक इरप्शन कहाँ पर लोकेटेड है, तो इस कंट्री का नाम जो है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो को पॉज कीजिए, इसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन लिखिए और फिर वीडियो को रिज्यूम कीजिए। चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पर एडिटोरियल पेज आइडियाज पेज आ रहा है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो एडिटोरियल पेज आइडियाज पेज है, मोस्ट ऑफ द आर्टिकल्स कश्मीर से रिलेटेड है। हमने कल ही
इसके रिगार्डिंग सारी इंफॉर्मेशन जो है वो देखी हुई है। उसी के साथ साथ आप यहाँ पर देख सकते हो बैंक एंड कोविड प्लान, तो यहाँ पर सॉल्यूशन ओरिएंटेड बात की गई है, तो काफी इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, इसे हम अच्छी तरीके से कवर करेंगे। उसी के साथ साथ ये वाला जो है ये हिरोशिमा नागासाकी जो उसके बारे में बात कर रहा है। अब देखिए कुछ ही दिन पहले हिरोशिमा नागासाकी के बारे में कुछ एक बात जो है न्यूज जो है वो निकल कर आई थी, तो उस न्यूज के साथ हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ब्लैक रेन के बारे में हम यहाँ पर जानने वाले हैं। ब्लैक रेन सुना है आपने? सुना होगा अगर आप करंट न्यूज में होते हो, अगर आपने कौन बनेगा सीरीज जो है फॉलो किया है एमएम एकेडमी आपकी, तो ब्लैक रेन जो है उसके रिगार्डिंग में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। काफी कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताऊंगा जो कि आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफी इंपॉर्टेंट रहेगी। तो चलिए एक एक करके आर्टिकल देखते हैं। तो यहाँ पर एक्सप्लेन सेक्शन में हम देखते हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है, जैसे कि यहाँ पर इंटरेस्ट रेट जो है वो अनचेंज रखे गए हैं। तो यहाँ पर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है उनके द्वारा जो इंटरेस्ट रेट है वो अनचेंज रखे गए हैं, तो उसका कारण क्या है? उसी के साथ साथ एग्जाम पर्सपेक्टिव से मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी इंपॉर्ट हो जाती है, तो उसके रिगार्डिंग में देखेंगे। जो इन्फ्लेशन रेट है, इंटरेस्ट रेट है, वो किस तरीके से लिंक्ड है, तो दोनों को एक ही करके हम यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे। उसी के साथ ईडब्ल्यूएस कोटा लॉ, जो 5 जज कॉन्स्टिट्यूशन बेंच है वो अब यहाँ पर इसे देखने वाली है, तो इसके रिगार्डिंग में हम इन्फॉर्मेशन देखेंगे। उसी के साथ साथ ये एक और न्यूज आर्टिकल आती है, तो ये सारी हेल्दी इन्फॉर्मेशन हम देखने वाले हैं। तो इतनी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के साथ मैं आपके ला रहा हूं, तो शेयर तो बनता है, इसलिए जल्द से जल्द अभी शेयर कर दीजिए, फटाफट शेयर कर दीजिए वीडियो को, फिर से आइए और वीडियो को कवर कीजिए। तो अब यहां पर हम आते हैं हिरोशिमा ब्लैक रेन पर। हिरोशिमा नागासाकी कहां पर है? जापान, वहां पर हमें देखने को मिलता है। यहां पर आप देख सकते हो हिरोशिमा और यहां पर आप देख सकते हो नागासाकी। अब रिसेंटली क्या हुआ है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ऑफ हिरोशिमा जापान, उसने रिकॉग्नाइज किया 84 सर्वाइवर्स ऑफ पोस्ट न्यूक्लियर एक्सप्लोजन ब्लैक रेन एटॉमिक बॉम्ब सर्वाइवर, उन्हें यहां पर फ्री मेडिकल केयर जो है वो दिया जाने वाला है। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आ रही है। पहली तो ये आ रही है कि यहां पर न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हुआ। न्यूक्लियर एक्सप्लोजन किसके द्वारा किया गया हम आगे देखेंगे, यूएसए के द्वारा, लेकिन हम आगे देखेंगे ठीक है कि क्यों किया गया था। वर्ल्ड वॉर के दौरान किया गया था। इससे क्या हुआ, जब यहां पर न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हुआ तो वर्ल्ड वॉर खत्म हो चुका था। और दूसरी चीज जो आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बतानी है वो ये है कि दोनों जो यहां पर एक न्यूक्लियर बॉम्ब फोड़े गए थे तो इनके एक अपने अपने नाम है, तो क्या आप मुझे इनके नाम कमेंट सेक्शन में बता सकते हो? काफी इंटरेस्टिंग नाम है, तो क्या आप मुझे कमेंट सेक्शन में नाम बता सकते हो? तो ये न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हुआ था। दूसरा यहाँ पर ब्लैक रेन, ये भी काफी इंटरेस्टिंग चीज हमें देखने को मिलती है। तो ब्लैक रेन क्या है ये भी हम यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे, और इससे जो प्रभावित हुए थे, इससे जो पीड़ित हुए थे, उनके लिए फ्री मेडिकल केयर जो है वो दी जाने की बात की जा रही है, जो सर्वाइवर्स रहे हैं। अब न्यूक्लियर एक्सप्लोजन की जब हम बात करते हैं तो 1945 में यूएसए ने जो एटॉमिक बॉम्ब है वो यहां पर ड्रॉप किया था हिरोशिमा और नागासाकी पर 6 और 9 अगस्त रिस्पेक्टिवली। तो इसीलिए ये जो चीज है काफी ज्यादा न्यूज में आ रही है, और इसके तहत क्या हुआ था, वर्ल्ड वॉर टू जो है वो खत्म हो गया था। वर्ल्ड वॉर वन एंड वर्ल्ड वॉर टू, ये दो ही वर्ल्ड वॉर हमें देखने को मिलते हैं, और दोनों ही वर्ल्ड वॉर जो है उस दौरान इंडिया ब्रिटिश के कंट्रोल में था। हमने मॉडर्न हिस्ट्री के लेक्चर्स में देखा हुआ है ना, जो फर्स्ट हमारा था उसमें तो जो गांधी जी है वो जस्ट एंटर हुए थे इंडिया में, गांधी जी 1915 में आए थे, तो उस दौरान वर्ल्ड वॉर जो है वो चल रहा था। और फिर वर्ल्ड वॉर टू जो है उस दौरान क्या हुआ था, खास चीज क्या हुई थी, उस दौरान जो हमारे कांग्रेस मिनिस्टर्स है उन्होंने रेसिग्नेशन दे दिया था, क्योंकि जो ब्रिटिशर्स है उन्होंने बिना पूछे बिना सलाह लिए इंडिया को वर्ल्ड वॉर में ढकेल दिया था कि हाँ इंडिया भी जो है वो हमारे साथ है वर्ल्ड वॉर में, और ये उनको बिल्कुल ये नहीं था कि भाई हमसे पूछे बिना क्यों कर रहे हो, तो उन्होंने रेसिग्नेशन दे दिया था, मास रेसिग्नेशन हमें देखने को मिला था। जिन्ना इसके वजह से काफी खुश हो गया था, है ना। तो इस तरीके से हमें ये चीज देखने को मिलती है। तो वर्ल्ड वॉर टू अगर हम देखें तो वर्ल्ड वॉर टू का जो एंड है वो हमें देखने को मिलता है जब यूएसए जो है उसने एटॉमिक बॉम्ब हिरोशिमा और नागासाकी पर गिरा दिए थे। 2020 इसकी 75th एनिवर्सरी जो है वो इस इंसिडेंट की वो मार्क करता है। अब आपको समझ में आ रहा है क्यों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसमें आपको मेन से रिलेटेड भी क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है। उसी के साथ साथ 2021 की जो प्रीलिम्स है उसमें भी आपको सवाल आ सकता है, 2020 की प्रीलिम्स में भी आ सकता है, क्योंकि अभी तक प्रीलिम्स जो है वो होने की है, और होगी या नहीं होगी ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन फिर भी अभी एट प्रेजेंट अगर हम देखें 2020-2021 दोनों के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। एक्सप्लोजन जो है इसकी वजह से काफी लोगों की डेथ हुई थी, 80,000 लोग जो उनकी डेथ हुई थी। अभी हाल ही में बेरूत जो है वहां पर जो एक्सप्लोजन हुआ था, बहुत सारे लोग यही इमेजिन कर रहे थे या फिर सोच रहे थे कि ये न्यूक्लियर एक्सप्लोजन ही है, लेकिन एक्चुअल में न्यूक्लियर एक्सप्लोजन नहीं था, अमोनियम नाइट्रेट जो है उसकी वजह से हमें एक्सप्लोजन देखने को मिला था। और एक खास चीज बताऊं आपको जो इस थोड़ी अलग है, हमारा जो चेन्नई पोर्ट है ना वहां पर भी बहुत ज्यादा अमोनियम नाइट्रेट जो है वो रखा हुआ है,
और जो यहाँ पर एक्सप्लोजन हुआ है बेरूत में, उसकी वजह से अब हमारे इंडिया में जो कस्टम्स वाले हैं अब वो हरकत में आ गए हैं। उन्होंने अब यहाँ पर रेड फ्लैग उनको सिग्नल दिख गया है कि भैया ये जो है इसको हटा दो। उन्होंने भी सीज किया था जो बेरूत है वहां पर, क्या हुआ था, सीज किया गया था जो शिप जो आई थी रशिया से आई गई थी, ऐसा बोला जाता है कि रशिया से आई थी, और रशिया से जो शिप आई थी वो कस्टम्स पे नहीं कर पाए थे, जिसकी वजह से पूरा जो माल है अमोनियम नाइट्रेट का वो सीज कर लिया गया था। और जो गवर्नमेंट है लेबनान की गवर्नमेंट, उसे कई बार बोला जा रहा था कि ये जो मटेरियल यहाँ पर रखा है अमोनियम नाइट्रेट, इसे हमें क्या कर रहा है आप बताइए, क्योंकि इस तरीके से रखना सही नहीं है। लेकिन कोई भी वहां पर जो एक्शन है वो नहीं लिया जा रहा था, और जिस वजह से इतना बड़ा हादसा हमें देखने को मिला जो हमने कल के न्यूज़पेपर में कवर किया हुआ है। और अब ये बोला जा रहा है चेन्नई पर भी यहाँ पर इतना ज्यादा जो है वो रखा हुआ है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखने वाली बात होगी कि इंडियन गवर्नमेंट किस तरीके से इस पर एक्शन लेती है। तो ये हमें देखने को मिलता है कि 80,000 के आसपास जो लोग हैं उनकी डेथ हुई थी, और 40,000 जो है नागासाकी में उनकी डेथ हुई थी। अब देखिए नागासाकी जो है वहां पर आपको देखने को मिलेगा कि कम लोगों की डेथ हुई है एज कम्पेयर टू 80,000 जो हिरोशिमा में हुई थी। अब अगर आप देखोगे तो नागासाकी में जो बॉम्ब फोड़ा गया था वो ज्यादा एक्सप्लोजिव था एज कम्पेयर टू हिरोशिमा, लेकिन फिर भी जो लोग हैं उनकी डेथ है या फिर जो डिस्ट्रक्शन है वो कंपेरेटिवली कम हुआ था एज कम्पेयर टू हिरोशिमा। ऐसा क्यों हुआ था? क्योंकि जो नागासाकी है वो मोस्टली हमें जो हिली एरियाज है उससे कंजेस्टेड देखने को मिलता है, और इसी वजह से ज्यादा इतना एक्सप्लोजन जो उसका इम्पैक्ट नहीं हुआ था। 1,000 जो लोग हैं उसके बाद भी उनकी डेथ हुई थी, मतलब जो न्यूक्लियर एक्सप्लोजन है वो हुआ था, जो एटॉमिक बॉम्ब है वो फोड़ा गया, उसके बाद वहां पर जो इमीडिएटली जिनकी डेथ हुई वो तो हुई है, लेकिन उसके बाद भी कई लोग जो उनकी डेथ होती गई रेडिएशन के वजह से, जो ब्लास्ट है उससे जो रेडिएशन निकला उसके बाद भी कई लोग जो है उनकी डेथ हमें देखने को मिली है। अब इसी में ये कॉन्सेप्ट आता है ब्लैक रेन का। तो ब्लैक रेन अगर हम देखें तो डेब्रीज और सूट फ्रॉम द डिस्ट्रॉयड बिल्डिंग इन हिरोशिमा, एस्टिमेटेड 65% ऑफ द बिल्डिंग जो है वो डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। 69% आप इमेजिन कर सकते हो, मतलब कि अगर टोटल 100 बिल्डिंग होगी उसमें से सिर्फ 30 बिल्डिंग जो है वो रही थी, बाकी सारी बिल्डिंग जो है वो नष्ट हो गई थी। मिक्स्ड विद रेडियोएक्टिव फॉलआउट बॉम्ब से ये यहाँ पर एटमॉस्फेयर में हो गया, जिसकी वजह से अलग ही मशरूम क्लाउड जो है वो फॉर्म हो चुके थे। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो डार्क ड्रॉप्स हमें लिक्विड के देखने को मिल रहे थे, मतलब यहाँ पर जो मशरूम क्लाउड्स फॉर्म हुए थे तो उन मशरूम क्लाउड्स से हमें डार्क पानी देखने को मिल रहा था। तो इसे हम कहते हैं ब्लैक रेन, ठीक है। इसे क्या कहा जाता है? ब्लैक रेन कहा जाता है, क्योंकि डार्क ड्रॉप्स जो है लिक्विड के वो फॉल होते हुए देखने को मिल रहे थे। सर्वाइवर्स जो रहे हैं, मतलब जो बचे हैं, वो डिस्क्राइब करते हैं कि इसमें लार्ज ग्रीसी ड्रॉप्स जो है, मतलब जो नॉर्मल रेन ड्रॉप्स होते हैं उससे हेवियर रेन ड्रॉप यहां पर देखने को मिल रहे थे, वो ग्रीसी ड्रॉप्स थे, लार्ज ड्रॉप थे और ब्लैक थे। तो इसे ब्लैक रेन जो है वो कहा जाता है। यहां पर आप देख सकते हो नागासाकी, जो मैंने आपसे पिछले स्लाइड में कहा था, नागासाकी में लेस ब्लैक रेन देखने को मिला, जबकि वहां पर न्यूक्लियर बॉम्ब जो है वो ज्यादा पावरफुल था हिरोशिमा के मुकाबले। क्यों मैंने आपको बता दिया है? क्योंकि ज्योग्राफिकल पोजीशन जो है वो हिल्स के बीच में देखने को मिलती है, और इसी वजह से उसका जो इम्पैक्ट है वो कम हुआ था, मतलब यहाँ पर ज्यादा फायर स्टॉर्म जो है वो यहाँ पर प्रोड्यूस नहीं किए गए थे, तो जिससे यहाँ पर ब्लैक रेन जो है वो हमें कम देखने को मिला। मतलब यहाँ पर समझ सकते हो कि जो इमीडिएट इम्पैक्ट होता है न्यूक्लियर का वो तो होता ही है, लेकिन उसके बाद भी आफ्टरमैथ जो इम्पैक्ट है वो भी काफी ज्यादा गहरा हमें देखने को मिलता है। तो ब्लैक रेन आपको सीधा एग्जाम में आ सकता है कि ब्लैक रेन ये हमें न्यूज में देखने को मिलता है किससे एसोसिएटेड है, न्यूक्लियर वेपन अगर ये दिया जाए, बाकी अगर आप देखो तो अलग अलग अगर दिए जाए तो वो भी हो सकता है एसिड रेन से कनेक्टेड, ऐसा भी बोला जा सकता है। उसी के साथ साथ आपको बोला जा सकता है कहां पर हुआ था, कहां पर हमें देखने को मिला था, तो ये भी हिरोशिमा नागासाकी ये आपको पता रहना चाहिए। अब यहां पर जो हम देखते हैं ब्लैक रेन जो है फुल्ली ऑफ हाईली रेडियोएक्टिव मटेरियल होता है, मतलब इसका अगर एक्सपोजर हो जाए, मतलब ब्लैक रेन ऐसा नहीं कि हमारे शरीर पर अगर पड़े तो कुछ नहीं होगा, इससे भी इलनेस जो है वो हमें देखने को मिलती है। स्टडी ने कंडक्ट किया था 1945 में कि ब्लैक रेन जो है वो एज फार एज 29 किलोमीटर अवे फ्रॉम ग्राउंड जीरो हमें देखने को मिला, मतलब कितना दूर तक ये स्प्रेड हुआ था आप समझ सकते हो। और उसी के साथ रिलेशन टू न्यूक्लियर एक्सप्लोजन, बाकी जो लार्ज बॉम्ब से ग्राउंड जीरो इज अ पॉइंट ऑफ अर्थ सरफेस क्लोजेस्ट टू डिटोनेशन, जहां पर डिटोनेशन हुआ है उससे वहां पर हमें ग्राउंड जीरो ये जो पोजिशन है वो देखने को मिलती है। तो यहां पर आप देख सकते हो कितना ज्यादा स्प्रेड हुआ था, ठीक है, मतलब डायरेक्टली जहां पर बॉम्ब गिरा था वो पोजीशन हमें देखने को मिलती है, तो वहां से आप समझ सकते हो कितना दूर तक ये स्प्रेड हुआ था। जो ब्लैक रेन है वो भी हमें कितने दूर तक देखने को मिल रहा था। अब रेन यहां पर अगर आप देखोगे तो हर जगह जो भी कॉन्टेक्ट में आए थे
वो यहाँ पर नष्ट हो गए। मतलब डेड फिश जो है वो रिपोर्ट की गई थी कि बॉडी के ऊपर फ्लोट कर रही है, क्योंकि बट अब ऐसे पानी में जब वो गिरेगा तो वहां पर भी प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट होंगे। जो कैटल्स है वो सीवियरली इल हो गए थे। ब्लैक रेन ने एक्यूट रेडिएशन सिम्टम्स जो है बहुत सारे लोग जो इससे एक्सपोज हुए थे उसमें कॉज किया था। तो ये भी चीज काफी इंपॉर्टेंट है। अगर हम सिम्टम्स देखें तो नौशिया, डायरिया, फीवर, सोर थ्रोट, लॉस ऑफ एयर्स, ये सब हमें देखने को मिले थे, और काफी कैंसर जो है वो भी डेवलप हुआ था। तो ये भी एक चीज जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सीधा एग्जाम में इससे रिलेटेड आपको पूछा जा सकता है। 1976 में जापान जो है उसने 1945 की स्टडी ली कि यहाँ पर जो एरिया उसे डिमार्केट किया जा सके जहां पर काफी ज्यादा लोग इससे अफेक्ट हुए हैं। जो एरिया है वो अफेक्ट हुआ है ब्लैक रेन से, और फिर सर्वाइवर जो है उनको यहाँ पर रिकॉग्नाइज किया न्यूक्लियर ब्लास्ट के, और फिर उनको यहाँ पर फ्री मेडिकल केयर जो है वो यहाँ पर अवेल की दी, और बाकी जो बेनिफिट्स है वो भी यहाँ पर प्रोवाइड किए गए। तो ये चीज हमें यहाँ पर देखने को मिलती है, इसीलिए मैंने ये चीज जो यहाँ पर इंक्लूड किया है, जिससे कि आपको पूरी जो इन्फॉर्मेशन है यहाँ पर मिल जाए। जो सेवियर्स है, जो सर्वाइवर्स रहे थे, उनके बारे में, उनके थ्रू ये पता चलता है कि कितना भयंकर ये ब्लास्ट था। अभी कल का ही जो वीडियो है हमने देखा है कि जो बेरूत में ब्लास्ट हुआ था, तो जो लोग देखे थे कितने दूर दूर तक, किलोमीटर तक जो शॉक वेव्स है उसकी हमें देखने को मिली थी। तो सोचे न्यूक्लियर का क्या होता होगा, एटॉमिक बॉम्ब का क्या होता होगा। तो क्या हम ये डिस्ट्रक्शन की तरफ जा रहे हैं, डेवलपमेंट के नाम पर क्या हम ये डिस्ट्रक्शन कर रहे हैं। चलिए अगले इस पर आते हैं, ईडब्ल्यूएस कोटा। ईडब्ल्यूएस कोटा लॉ मतलब क्या है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। अभी यहां पर ये वाला आर्टिकल मैंने लिया इसलिए, देखिए पहले भी मैंने इसके बारे में डिस्कशन किया हुआ है। अभी हाल ही में और न्यूज में आया है, 5 जजेस की बेंच की तरफ भेजा गया है। तो ठीक है, मतलब ये बेसिकली अगर आप देखोगे तो ये इतनी बड़ी कोई न्यूज नहीं है कि भेजा गया है। मैं आपको एक लाइन में भी बता सकता था, लेकिन मैंने इंक्लूड इसलिए किया है क्योंकि फर्स्ट टाइम अभी हमें ऐसा देखने को मिल रहा है कि जहां पर यूपीएससी का जो अभी रिजल्ट आया है उसमें भी ईडब्ल्यूएस कोटा जो है वो लागू किया गया। यहां पर आप देख सकते हो कि यूपीएससी जो अभी रिजल्ट आया है उसके हिसाब से जो सर्विसेस अलॉट की गई है उसमें अगर आप देखोगे जनरल की जो सीट्स है 72, ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन 18 सीट्स यहां पर दी गई है। अगर आप आईएफएस देखोगे फॉरेन, तो 2 सर्विसेस हमें देखने को मिलती है। आईपीएस अगर आप देखोगे तो 15 लोगों को ईडब्ल्यूएस के तहत यहां पर दिया जा रहा है। तो ये चीज हमें देखने को मिलती है, इसीलिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। फर्स्ट टाइम अभी हमें ये देखने को मिल रहा है, फर्स्ट टाइम ये इंक्लूड किया गया है। और भी डिटेल में देखना है तो जो यूपीएससी की साइट है उसके थ्रू आप देख सकते हो, वहीं से मैंने स्क्रीनशॉट लिया हुआ है। ओबीसी अगर आप देखोगे तो 52, एससी 25, एसटी 13, टोटल 180 हमें देखने को मिलते हैं आईएएस के। ठीक है, टोटल वैकेंसी आईएएस की कितनी थी, 180 थी। तो अगर आपको आईएएस चाहिए तो 180 रैंक के अंदर आपको आना था, और उसमें भी अगर आप जनरल कैटेगरी में फॉर्म भरे हो तो आपको 72 रैंक के अगर अंदर आया है तो आपको आईएएस जो है वो मिल जाता है। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बेसिकली क्या किया है कि ये जो 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाया गया गवर्नमेंट के द्वारा, इसमें क्या किया गया, कॉन्स्टिट्यूशन में संशोधन किया गया है। रिजर्वेशन को लाने के लिए हमारे संविधान में अमेंडमेंट की गई, तो इसमें 10% रिजर्वेशन जो है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए लाया गया है। तो ये जो यहाँ पर निर्णय लिया गया था गवर्नमेंट के द्वारा, ये जो चेंजेस यहाँ पर गवर्नमेंट के द्वारा लिए गए हैं, तो इसे बेसिकली क्या किया गया है, इसे कोर्ट में चैलेंज किया गया था। कोर्ट में क्यों चैलेंज किया गया था ये भी हम यहाँ पर जानेंगे, और गवर्नमेंट की तरफ से क्या काउंटर आर्ग्यूमेंट आ रहे हैं ये भी हम जानेंगे। अब यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट है उसने क्या किया है ये भी हम जानेंगे। आधे से ज्यादा चीजें मतलब मोस्टली सारी ही चीजें मैंने जो पॉलिटिकल लेक्चर्स हैं हमारे एमएम एकेडमी ऐप पर, जो पॉलिटिकल लेक्चर्स है उसमें मैंने कवर किए हुए हैं। देखिए यूट्यूब के जो लेक्चर्स है ना पॉलिटिकल, उसमें मैंने केसेस डिस्कस नहीं किए हैं। वो मैंने जो लक्ष्मीकांत में जो चीजें दी गई है वही डिस्कस की हुई है, वो भी इतनी डिटेल में नहीं की है। लेकिन एमएम एकेडमी ऐप पर जो पॉलिटिकल लेक्चर्स है उसमें मैंने बहुत सारे सोर्सेस रेफर किए हैं। इनफैक्ट जो लॉ की पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए भी काफी ज्यादा बेनिफिशियल हो जाता है, क्योंकि काफी सारे केसेस भी मैंने उसमें डिस्कस किए हैं। तो इसीलिए केसेस के साथ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के साथ वो कोर्स मैंने आपके लिए बनाया हुआ है, तो काफी आपको हेल्प उससे मिल रही है। अब यहाँ पर अमेंडमेंट अगर हम देखें तो क्या ये अमेंडमेंट क्या था, तो इसे 10% रिजर्वेशन जो है गवर्नमेंट जॉब्स में, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में, ईडब्ल्यूएस के लिए इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए प्रोवाइड किया था। अब इसमें हमें कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस क्यों देखने को मिलते हैं, क्योंकि इसमें आर्टिकल 15 एंड आर्टिकल 16 जो है उसे अमेंड किया गया है, जो कि बात करता है फंडामेंटल राइट ऑफ इक्वालिटी। अब देखिए मैंने आपको जब एमएम एकेडमी ऐप पे पॉलिटिकल लेक्चर्स में बताया था, जब मैंने ये आर्टिकल्स लिए थे, ये और ये, तो ये अगर हम देखें तो ये है आर्टिकल 14, ये अगर हम देखें तो ये है आर्टिकल 15, और ये अगर हम देखें तो ये है आर्टिकल 16। आर्टिकल 14 मतलब ऊपर का, मतलब ये पूरा सबको समा लेता है, मतलब ये सिटीजन्स के लिए, नॉन सिटीजन्स के लिए, सभी के ऊपर लागू होता है।
कि किसी को भी आप डिस्क्रिमिनेट नहीं करते हो ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। वही अगर हम आर्टिकल 15 देखते हैं तो वो सिटीजन्स के लिए आ जाता है कि उनको आप ये नहीं कर सकते। आर्टिकल 16 अगर हम देखते हैं तो 16 और यहाँ पर स्पेसिफिक आ जाता है एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड। अब इसमें कुछ और चेंजेस किए गए हैं जो हमने देखा है कि रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। तो आर्टिकल 16 जो है उसमें और जो चीजें हैं वो ऐड की गई है। क्या आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कौन सी चीजें ऐड की गई है? जरूर बताइए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये इस तरीके से बड़ा सर्कल, छोटा सर्कल, उसके अंदर छोटा सर्कल। तो आर्टिकल 15 और 16 जो है उसमें अमेंडमेंट लाए गए हैं, क्योंकि आर्टिकल 15 जो है बात करता है किसी को भी डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा इन ग्राउंड्स पर। आर्टिकल 16 जो है ये भी बात करता है कि जो एम्प्लॉयमेंट है, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, उसके लिए सबको इक्वली ट्रीट किया जाएगा। लेकिन दोनों ही आर्टिकल्स में हमें कुछ एक्सेप्शंस देखने को मिलते हैं। एक्सेप्शंस क्या है कि अगर सरकार चाहे तो एससी, एसटी, बैकवर्ड क्लासेस, इनके लिए, और वीमेन एंड चिल्ड्रन, बट ऑब्वियसली, तो इनके लिए अगर सरकार कुछ चेंजेस लाना चाहे, कुछ स्पेसिफिक अगर चीजें देना चाहे तो सरकार दे सकती है। तो मतलब इसमें क्या है, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन हमें देखने को मिलता है, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन। अब पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन और नेगेटिव डिस्क्रिमिनेशन में क्या डिफरेंस है? नेगेटिव डिस्क्रिमिनेशन मतलब क्या है कि एक अमीर इंसान है, ठीक है, और उसने गरीब इंसान को थप्पड़ मार दी। अब अगर गरीब इंसान कोर्ट में जाता है लेकिन अमीर इंसान ने जज को पैसे दे दिए और वो छूट गया, तो ये क्या हो गया? ये डिस्क्रिमिनेशन हो गया। उसका केस ही अगर नहीं लिया गया अमीर इंसान का, डिस्क्रिमिनेशन हो गया। ये डिस्क्रिमिनेशन कौन से ग्राउंड्स पर हुआ है? ये डिस्क्रिमिनेशन हुआ है नेगेटिव ग्राउंड्स पर, है ना, नेगेटिव डिस्क्रिमिनेशन है। वही पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन जो है वो हम क्या कहेंगे कि एक गरीब इंसान है, ठीक है, अगर जो अमीर इंसान है उसने अगर कुछ उसको धमकाने की कोशिश की, कुछ करने की कोशिश की, तो अगर कोर्ट ने डायरेक्टली उसको, जो गरीब इंसान है उसको ऐसी सहूलत दी है कि तुमको पैसे भी पे नहीं करना पड़ेगा केस के लिए। अमीर इंसान को अगर केस करना है तो उसको पैसे पे करना पड़ेगा, गरीब इंसान को पैसे पे नहीं करना पड़ेगा। तो ये भी डिस्क्रिमिनेशन हो गया कि अमीर इंसान को पैसे नहीं पे करना पड़ रहा है, लेकिन ये पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन हो गया। मतलब कि जो सभी को न्याय मिले, सभी को जस्टिस मिले, उसके लिए कुछ डिस्क्रिमिनेशन लाए जा रहे हैं, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है। मैं हाइपोथेटिकल एग्जांपल के थ्रू आपको समझा रहा हूं, लेकिन बेसिक डिफरेंस क्या है अगर मैं आपको रिलेवेंट टर्म में बताऊं आर्टिकल 15, 16 के, तो यहां पर क्या है कि जो ऐसे लोग थे, मतलब एससी एसटी कम्युनिटी आप देखिए, उनको मौके नहीं मिले एज कम्पेयर टू बाकी अगर हम लोग देखें तो उनको मौके नहीं मिले, उनको अपॉर्चुनिटीज नहीं मिली, इसलिए वो जो कम्युनिटी है वो विकसित नहीं हो पाई। तो इसीलिए यहाँ पर उनको क्या किया जा रहा है, कुछ सहूलत दी जा रही है कि आप यहाँ पर, आपके लिए कुछ सीट्स रिजर्व है, वो आप ही के लिए रहेगी, आपकी कम्युनिटी के लोग यहाँ पर आ सकते हैं। ये डिस्क्रिमिनेशन है, लेकिन ये पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है। तो ये हम बोलते हैं कि हमारे यहाँ पर पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन जो आर्टिकल 15 एंड 16 के थ्रू दिया गया है। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो एक और कैटेगरी यहाँ पर ऐड की गई, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। पहले कैटेगरी नहीं थी, इसीलिए कैटेगरी को आर्टिकल 15, 16 में डालना था, इसीलिए हमें कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना पड़ा। और अगर आपको स्पेसिफिक डिटेल में देखना है तो आप जो एमएम एकेडमी ऐप पर पॉलिटिकल लेक्चर्स है उनको देख सकते हो, अलग अलग जो केसेस है वो भी मैंने डिस्कस की हुई है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो है वो भी अब रिजर्वेशन के एलिजिबल हो जाते हैं। गवर्नमेंट अगर चाहे तो उनके लिए भी रिजर्वेशन ला सकती है। तो गवर्नमेंट यहाँ पर 10% रिजर्वेशन जो है वो लाया। यहाँ पर आप देख सकते हो आर्टिकल 15 एंड 16 जो यहाँ पर मैंने स्क्रीनशॉट कुछ ऐड किए हैं उससे रिलेटेड। अब कौन यहाँ पर एलिजिबल है, तो ये हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। तो जिनका एनुअल इनकम जो है वो 8 लाख से कम है, दूसरा खुद की एग्रीकल्चर लैंड ऑफ लेस देन 5 एकर्स, खुद का होम है स्मॉलर देन 1000 स्क्वायर फीट, खुद का रेसिडेंशियल प्लॉट है बिलो 100 यार्ड नोटिफाइड म्यूनसिपालिटीज में, और 200 यार्ड से कम है नोटिफाइड नॉन नोटिफाइड म्यूनसिपालिटीज में। तो ये लोग जो है ये एलिजिबल रहेंगे इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन इस कैटेगरी के लिए। अब यहाँ पर रेफरेंस जो है इसका मतलब क्या है, रेफरेंस जो है लार्ज बेंच की तरफ जो दिया गया है इसका मतलब क्या है, लार्ज बेंच की तरफ मतलब यहाँ पर क्या है, 5 बेंच जजेस जो है वो यहाँ पर सुनने वाले हैं। देखिए अलग अलग बेंच होती है, अलग अलग बेंचेस के पास जो चीजें हैं वो दी जाती है, जैसे जैसे जो केस है वो पेचीदा होती जाता है वैसे वैसे लार्जर बेंच बैठकर उसे सॉल्व करती है। तो यहाँ पर आर्टिकल 145 सब क्लॉज 3 अगर हम देखें हमारे संविधान का, उसमें बोला गया है मिनिमम नंबर ऑफ जजेस जो यहाँ पर बैठने चाहिए किसी भी सब्सटेंशियल क्वेश्चन जो होता है लॉ के ऊपर जो उठता है कि लॉ इंटरप्रेट कैसे करना है। ये लॉ हमें देखने को मिल रहा है लॉ के तहत ही है, लेकिन लॉ को इंटरप्रेट कैसे करना है, तो उसके लिए यहाँ पर 5 जजेस बेंच जो है वो रहनी चाहिए। और इसी की वजह से यहाँ पर बेसिकली क्या हुआ इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए कि लॉ को इंटरप्रेट कैसे करना है वो यहां पर देखा जा रहा है, इसलिए 5 जजेस बेंच के पास दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में रूल किया था कि यहां पर वॉयलेशन अगर फंडामेंटल राइट का होता है वो 2 जजेस बेंच भी सुन सकते हैं, लेकिन अगर वो लॉ के ऊपर जाता है कि इंटरप्रेट क्या करना है तो फिर 5 जजेस बेंच जो चाहिए रहेगी। इतना क्लियर है?
अब यहाँ पर हम देखते हैं कि कौन से ग्राउंड्स पर चैलेंज किया गया है, जो 103rd अमेंडमेंट एक्ट है, कौन से ग्राउंड्स पर चैलेंज किया गया है। ये चैलेंज किया गया है बेसिकली दो ग्राउंड्स पर। पहला आता है कि बेसिक स्ट्रक्चर जो है उसको वायलेट करता है। बेसिक स्ट्रक्चर मतलब क्या है? बेसिक स्ट्रक्चर का लेक्चर आपने देखा होगा। बेसिक स्ट्रक्चर कौन से केस के थ्रू आया है? केशवानंद भारती केस, उसके थ्रू आया है। केशवानंद भारती केस ने बेसिक स्ट्रक्चर लाया है। अब पर्टिकुलर डिफाइन तो नहीं किया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। उन्होंने तो यही बोला है कि इतनी जल्दी क्या है, अभी तो मैंने स्टार्ट किया है, तो आप लॉज बनाते जाओ, हम बेसिक स्ट्रक्चर है या नहीं देख के वो लॉ को खारिज करते जाएंगे। तो यहाँ पर बेसिक स्ट्रक्चर केशवानंद भारती केस में आया है। तो यहाँ पर बोला ये जा रहा है कि 103rd अमेंडमेंट एक्ट जो है ये हमारे बेसिक स्ट्रक्चर को हार्म करता है, बेसिक स्ट्रक्चर को हार्म करता है। ठीक है, तो यहाँ पर इस बारे में देखा जाएगा कि बेसिक स्ट्रक्चर को एक्चुअल में हार्म करता है या नहीं करता है, क्योंकि यहाँ पर सोशली डिसएडवांटेज ग्रुप जो है उनको जो यहाँ पर प्रोटेक्शन प्रोवाइड करा जा रहा है वो एक बेसिक स्ट्रक्चर में आता है, और उसमें अगर आप चेंज कर रहे हो तो ये उसका वायलेशन है, क्योंकि आप बेसिक स्ट्रक्चर में चेंज नहीं कर सकते हो। ठीक है, दूसरा यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है कि ये जो सुप्रीम कोर्ट की 1992 की रूलिंग थी इंदिरा सैमी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में, उसमें मंडल रिपोर्ट जो है उसमें यहाँ पर किया गया था रिजर्वेशन 50% पर कैप किया जाना चाहिए। ठीक है, मंडल कमीशन, ये भी केस मैंने डिस्कस किया हुआ है उसमें, तो मंडल कमीशन में बोला गया था 50% जो रिजर्वेशन है उससे ज्यादा, लिमिट से ज्यादा नहीं जाना चाहिए। हालांकि कुछ स्टेट्स को सहूलत दी गई और कुछ स्टेट्स में हमें देखने को मिलता है कि 50% ज्यादा रिजर्वेशन जाते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, तो 50% से बियॉन्ड रिजर्वेशन जा रहे हैं, तो ये मंडल कमीशन के इसको खारिज करता है, ये उसको वॉयलेट करता है, तो इस ग्राउंड पर यहाँ पर ये गए हैं। और तीसरा हमें देखने को मिल रहा है कि अनएडेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो है उनके बिहाफ में भी हमें केस देखने को मिल रहा है कि उन पर कंपेल किया गया है, जो अनएडेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, मतलब प्राइवेट आप समझ लीजिए कि जहाँ पर गवर्नमेंट का कोई रोल ही नहीं है, गवर्नमेंट ना पैसा देती है ना कुछ करती है, तो उनको ये कंपलसेशन किया जा रहा है कि आपको भी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कोटा लागू करना पड़ेगा। तो ये भी एक वायलेशन है, ऐसा यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। तो अब गवर्नमेंट की आर्ग्यूमेंट क्या है? गवर्नमेंट की ये आर्ग्यूमेंट है कि एज पर अंडर आर्टिकल 46, जो आर्टिकल 46 क्या में आता है, डीपीएसपी में आता है। डीपीएसपी बेसिकली बोलता क्या है कि गवर्नमेंट जब भी कोई पॉलिसी ला रही है तो डीपीएसपी को एक गाइडलाइन समझ के देखे, डीपीएसपी लागू करे, ये हमें देखने को मिलता है। आर्टिकल 46 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट डीपीएसपी का, उसने यहाँ पर बोला है कि हमारी ड्यूटी है कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो है उनको हमें आगे लाना है, तो इसीलिए बट ऑब्वियसली कि हमें यहाँ पर आगे लाना पड़ेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं एनलिसिस रिजर्वेशन इंडिया में 10% वीकर सेक्शन को है, ओबीसी के लिए 27%, ये भी उस केस के तहत ही बताया गया था। शेड्यूल कास्ट के लिए 15% है, मेरिट यहाँ पर 40%, तो इस तरीके से हमें टोटल देखने को, शेड्यूल कास्ट को, शेड्यूल ट्राइब्स को 7.5%, इस तरीके से हमें देखने को मिलता है। तो अब यहाँ पर आप देखोगे तो डीपीएसपी का हवाला जो है वो सरकार की तरफ से दिया गया कि ये वॉयलेशन बिल्कुल नहीं है। उसी के साथ साथ काउंटर आर्ग्यूमेंट इसका क्या होता है? काउंटर आर्ग्यूमेंट होता है इंदिरा सैमी प्रिंसिपल के तहत कि यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट ने 27% कोटा जो ओबीसी को दिया गया है, यहाँ पर आप देख सकते हो जो 27% कोटा ओबीसी को दिया गया है, इसमें देखिए ये जो केस है ना काफी पेचीदा है, इसमें काफी सारे हमें अलग अलग केसेस भी देखने को मिलते हैं। कैरी फॉरवर्ड रूल भी हमें देखने को मिला था एक केस में। कैरी फॉरवर्ड रूल मतलब क्या है कि फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पर 10% कोटा जो है वो दिया गया है, 10% मतलब अगर 100 लोग बैठ रहे हैं तो उसमें से 10 लोग जो है वो वीकर सेक्शन, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के रहेंगे, लेकिन इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के 5 ही बच्चे थे, तो यहाँ पर 5 सीटें जो है वो खाली गई है ना। अब ये 5 सीटें कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी, अगले साल यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 10 सीटें नहीं रहेगी बल्कि 15 सीट्स रहेगी, तो ये कैरी फॉरवर्ड रूल था। ठीक है, इसे भी खारिज किया गया। तो बहुत सारे केसेस हुए थे, वो मैंने केसेस उसमें डिस्कस किए हुए पॉलिटिकल लेक्चर्स में, इसलिए मैं कहता हूँ कि एमएम एकेडमी ऐप पर जो भी लेक्चर्स आपको देखने हो काफी कॉम्प्रेहेंसिव है, अलग अलग सोर्सेस से लिए गए हैं, सिर्फ यहाँ पर लक्ष्मीकांत कवर नहीं हो रही है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और उससे क्या होता है, उससे हमारा एक लिंक जुड़ जाती है कि ऐसा क्यों हुआ है। अब मैं आपको सीधा बोलूँ कि 27% आपको याद करना पड़ेगा, जैसे मैं बोलता हूँ कि व्हाट कि पहले व्हाई जब हम कर लेते हैं तो इजीली याद रह जाता है, तो व्हाट यहाँ पर है 27, लेकिन क्यों आया है तो केसेस जब हम डिस्कस करते हैं तो पता चलता है क्यों आया है, ये है ना। कैरी फॉरवर्ड रूल आया था, उसके बाद हमें यह देखने को मिलता है कि यहाँ पर 27% कोटा जो है जो ओबीसी को दिया जा रहा है उसमें मिक्सचर है, ये सोलली सिर्फ बैकवर्ड इसके लिए नहीं है, यहाँ पर इकोनॉमिक फैक्टर जो है वो भी लिया गया है। आप ये समझ रहे हो, इकोनॉमिक फैक्टर जो है वो भी इसमें क्राइटेरिया ऐड किया गया है ओबीसी में। तो ये बोला जा रहा है कि जब ऑलरेडी ओबीसी में क्राइटेरिया इकोनॉमी का ऐड किया गया है तो फिर अलग से इकोनॉमिकली देना जरूरी नहीं है। ठीक है, ये यहाँ पर दिया गया है, जैसे यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है सारे ही केसेस, जितने भी केसेस से रिलेटेड है सारे ही केसेस मैंने डिस्कस किया है एमएम एकेडमी ऐप पर।
अब यहाँ पर कोर्ट ने क्या रेफरेंस फ्रेम किया, कोर्ट ने यहाँ पर किया है कि हाँ यहाँ पर कुछ क्वेश्चन जो है वो अराइज होते हैं, तीन क्वेश्चन अराइज होते हैं। तीन क्वेश्चन कौन से हैं? इकोनॉमिक क्राइटेरिया, ये अलोन अकेला क्या ये बैकवर्ड क्लास के लिए डिटरमाइन किया जा सकता है, अकेला क्या ये क्राइटेरिया रह सकता है। दूसरा यहाँ पर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कोटा जो है क्या 50% की सीलिंग क्रॉस कर सकता है। और तीसरा है प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो है उनके क्या यहाँ पर थोपा जा सकता है उनपे। तो ये कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर अराइज होते हैं, इसी के लिए 5 जजेस बेंच जो है वो यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है, अब डिस्कस यहाँ पर किया जाएगा। समझ में आ रहा है आपको, पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर हो गया है। चलिए अब यहाँ पर आगे चलते हैं। इंटरेस्ट रेट अनचेंज रखे गए हैं, इंटरेस्ट रेट को चेंज नहीं किया गया है। अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो उन्होंने इंटरेस्ट रेट अनचेंज रखे हैं। इंटरेस्ट रेट मतलब बेसिकली अगर आप देखोगे तो जो रेपो रेट है वो यहाँ पर अनचेंज रखे हैं। अब देखिए ये थोड़ा शॉकिंग भी है। शॉकिंग क्यों है? जिस तरीके से हमारी इकोनॉमी चल रही है तो इकोनॉमी यहाँ पर नीचे जा रही है, इकोनॉमी नीचे जा रही है तो बट ऑफिस से इंटरेस्ट रेट उन्होंने नीचे करने चाहिए जिससे कि क्या होगा कि इकोनॉमी हम रिवाइव कर सकते हैं। लेकिन इसके पीछे जो उन्होंने स्टैग्नेंट रखा है इसके पीछे भी कुछ कारण है कि हमारे यहाँ पर स्टैगफ्लेशन सिचुएशन देखने को मिल रही है। स्टैगफ्लेशन सिचुएशन क्या है ये भी मैं आपको अभी आगे बताऊंगा। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्या किया, इंटरेस्ट रेट जो है उसे होल्ड पर रखें, अनचेंज रखें। ठीक है, यहाँ पर बेसिकली अगर आप देखोगे आरबीआई ने अपने पॉलिसी रेट यहाँ पर फेब्रुवरी से कंटिन्यूअसली कम करे थे। ठीक है, रेपो रेट आपको पता है रेपो रेट क्या होता है, फिर से एक्सप्लेन करने की जरूरत है क्या? रेपो रेट अब जो नए ज्वाइन हुए उनके लिए बता देता हूँ रेपो रेट क्या होता है। देखिए यहाँ पर है बैंक, यहाँ पर है आरबीआई, यहाँ पर है लोन लेने वाली जनता, यहाँ पर है डिपॉजिट करने वाली जनता। तो यहाँ पर क्या होता है, जो बैंक है बैंक में हम लोग डिपॉजिट करते हैं, ये लोग अमीर इंसानों को लोन देते हैं। और फिर यहाँ पर क्या होता है, जब लोन लेने वाले ज़्यादा ही आ गए तो फिर बैंक क्या करती है, उनके पैसे खत्म हो गए तो वो आरबीआई से लोन उठाती है। तो आरबीआई से जिस इंटरेस्ट रेट पर लोन उठाती है उसे हम कहते हैं रेपो रेट। समझ में आ गया आपको? तो ये होता है, अब रेपो ये आरबीआई से अगर इन्होंने 100 रुपये में लोन लिया है, आरबीआई ने इनको 5% पर दिया है, तो ये 100 रुपये जब बैंक आगे फॉरवर्ड करेगी तो प्रॉफिट कमाने के लिए 5% ज़्यादा रखेगी, 6% 7% रखेगी, तब जाके बैंक को प्रॉफिट होगा। तो यही है रेपो रेट, मैंने बहुत बार एक्सप्लेन किया है, बहुत बार, तो इसलिए मैंने काफ़ी शॉर्ट में एक्सप्लेन कर दिया, मैंने आपको कितना डिटेल में एक्सप्लेन किया रेपो रेट। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो रेपो रेट कंटिन्यूअसली कम कर रही थी आरबीआई, कंटिन्यूअसली कम कर रही थी, लेकिन अब यहाँ पर अनचेंज रखा गया है। कम क्यों कर रही थी? कम इसलिए कर रही थी क्योंकि जो हमें इकोनॉमी है वो कम आती हुई नजर आ रही थी, लोग खर्च नहीं कर रहे थे। जब क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, रेपो रेट जब कम होता है ठीक है, रेपो रेट जब कम होता है तो बैंक अपने ब्याज दर कम करती है। मतलब ब्याज दर कम करेगी तो मैं ज्यादा खरीदूंगा ना, मुझे अगर 10% पे कार लोन मिल रहा है तो मैं नहीं खरीदूंगा, अगर मुझे 8% मिल रहा है तो मैं कार खरीद लूंगा। तो इससे क्या होता है, लोग ज्यादा खरीदते हैं, कंजम्पशन बढ़ता है, हमारी इकोनॉमी बूस्ट होती है, तो इसलिए ये कम करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ये बाय मंथली मॉनिटरी पॉलिसी होती है जिसमें आपको अलग अलग चीज़ें देखने को मिलती है। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ आती है हमारे एग्जाम परस्पेक्टिव से मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी के रिगार्डिंग, 6 मेंबर्स होते हैं, 3 गवर्नमेंट के 3 आरबीआई के इंक्लूडिंग गवर्नर। ठीक है, ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इंक्लूडिंग गवर्नर। ठीक है, इन्फ्लेशन टारगेट सेट करते हैं, इन्फ्लेशन टारगेट इनका कितना होता है, 4 ± 2, मतलब 2 से लेकर 6 के बीच में यहाँ पर जो इंटरेस्ट रेट है वो रहना चाहिए, मतलब इन्फ्लेशन जो है वो रहना चाहिए, महंगाई रहनी चाहिए। अब यहाँ पर स्लैश जो है वो क्यों नहीं किए, कम क्यों नहीं, जो सब एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कम करेंगे, कम क्यों नहीं किए हैं। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे रिटेल इन्फ्लेशन जो है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, वो यहाँ पर बढ़ गया है, 6.09% हो गया है, 6.09%। मैंने जैसे अभी आपको बताया 2 से 6% रहना चाहिए, ये 6% से ज़्यादा बढ़ गया है। अब जब इन्फ्लेशन बढ़ गया है तो बट ऑब्वियस है अगर ये और ब्याज दर कम करते हैं तो इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, महंगाई बढ़ जाएगी क्योंकि डिमांड बढ़ जाएगी। जैसे मैंने अभी कहा था, अगर उन्होंने रेपो रेट कम कर दिया है तो बैंक अपने ब्याज दर कम करेगी तो लोग ज्यादा खर्च करेंगे, खरीदेंगे, लोग ज्यादा खरीदेंगे, तो डिमांड बढ़ेगी तो क्या होगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगा, महंगाई बढ़ेगी, है ना। तो यहाँ पर महंगाई जो है वो ऑलरेडी जो टारगेट था आरबीआई का उससे ज्यादा हो चुकी है, इसलिए आरबीआई ने सोचा कि नहीं हम अब ये कम नहीं करते हैं, हम कम करेंगे तो ये और ज्यादा इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज हमें यहाँ पर देखने को मिली। उसी के साथ साथ फूड इन्फ्लेशन जो है वो भी काफी ज्यादा बढ़ रहा है, तो फूड इन्फ्लेशन एक बहुत बड़ा कारण है कि यहाँ पर जो सप्लाई है वो प्रॉपर होगा या नहीं होगा, इसमें भी आरबीआई को थोड़ा ये लग रहा है। तो फूड इन्फ्लेशन, नॉन फूड इन्फ्लेशन जो ये भी बढ़ रहा है, इसी वजह से आरबीआई ने सोचा कि अपने रेपो रेट जो है जैसे के वैसे रखते हैं। ठीक है, अगर बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लेशन बढ़ गया, लोग बहुत ही ज़्यादा ताव में आ गए, बहुत ही ज़्यादा खरीदने लग जाए, तो आरबीआई कंट्रोल करने के लिए क्या करती है, अपने रेपो रेट बढ़ा देती है। रेपो रेट बढ़ाने से क्या होता है, बैंक अपने ब्याज दर बढ़ाती है। अब 8% है तो मैं बहुत ज़्यादा खरीद रहा था गाड़ियाँ, अब 10% कर दिया मैं नहीं खरीद रहा हूँ,
तो अब डिमांड कम हो गई तो वैल्यू कम हो गई, प्राइजेस कम हो गई, इन्फ्लेशन कम हो गया, ये चीज हमें देखने को मिलती है। समझ में आ गया? यहां पर आपको देखने को मिलेगा आरबीआई जो है वो इन्फ्लेशन से काफी वरीड है। हेडलाइन रिटेल इन्फ्लेशन अगर हम देखें तो ज्यादा क्लैरिटी की जरूरत है, मतलब समझ में नहीं आ रहा है। आरबीआई को ऐसा लग रहा है कि ये इन्फ्लेशन और ज्यादा बढ़ सकता है अगर हम यहाँ पर कम कर दिए, तो ऐसा यहाँ पर आरबीआई को लग रहा है। अब यहाँ पर क्वेश्चन आएगा आपको हेडलाइन इन्फ्लेशन क्या है, एग्जाम परस्पेक्टिव से ये इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। हेडलाइन इन्फ्लेशन क्या है या कोर इन्फ्लेशन क्या है? हेडलाइन इन्फ्लेशन मतलब गुड्स एंड सर्विसेज सब अगर मिला दिया जाए तो हेडलाइन इन्फ्लेशन होता है। हेडलाइन इन्फ्लेशन मेजर किया जाता है टोटल इन्फ्लेशन, हमारी इकोनॉमी का टोटल इन्फ्लेशन जो हम यहाँ पर कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। टोटल इन्फ्लेशन यहाँ पर देखा जा रहा है, सब इसमें आ रहा है, सभी कम्युनिटी जैसे कि फूड हो गया, एनर्जी हो गया, है ना। तो यहाँ पर हमें यहाँ पर हेडलाइन इन्फ्लेशन ये देखने को मिलता है जो हम कैलकुलेट करते हैं, हम यहाँ पर मॉनिटरी पॉलिसी के लिए कैलकुलेट करते हैं हेडलाइन इन्फ्लेशन। कोर इन्फ्लेशन मतलब क्या होता है? कोर इन्फ्लेशन में यहाँ पर जो फूड एंड एनर्जी है उसे कंसिडर नहीं किया जाता है, सभी इन्फ्लेशन लिया जाएगा ऑफ सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, लेकिन उसमें से जब हम क्या करते हैं फूड एंड एनर्जी को माइनस कर देते हैं तब हमें मिलता है कोर इन्फ्लेशन, ठीक है। एक्सेप्ट कम्युनिटी प्राइसेस लाइक वेजिटेबल्स फ्रूट्स एंड ऑयल प्राइसेस, तो यहाँ पर फूड एंड एनर्जी जब हम माइनस कर देते हैं हमें कोर इन्फ्लेशन देखने को मिलता है। समझ में आ रहा है आपको? ये चीज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हेडलाइन इन्फ्लेशन क्या है? मेजर ऑफ टोटल इन्फ्लेशन विद इन द इकोनॉमी इंक्लूडिंग कमोडिटीज सच एज फूड एंड एनर्जी प्राइसेस। तो ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है एग्जाम परस्पेक्टिव से। तो अब लिंक क्या है ग्रोथ ऑफ इन्फ्लेशन एंड इंटरेस्ट रेट? अभी मैंने आपको बताया था क्या रिलेशन है कि यहां पर क्या होता है कि अगर इंटरेस्ट रेट जो है वो कम कर दिए जाए, इंटरेस्ट रेट कम कर दिए जाए तो क्या होता है, बैंक अपने ब्याज दर कम कर देती है, बैंक अपने ब्याज दर कम करेगी तो मैं ज्यादा लोन लूंगा, घर पे पैसा रखने के लूंगा क्या, नहीं, कुछ खरीदने के लिए लूंगा, और जब खरीदने के लिए लूंगा तो डिमांड बढ़ेगी उस चीज की, क्योंकि मेरे जैसे बहुत सारे लोग लोन लेंगे, और जब डिमांड बढ़ेगी तो उसकी वैल्यू बढ़ेगी, मतलब प्राइजेस बढ़ेगी, मतलब इन्फ्लेशन बढ़ेगा। समझ में आ रहा है? और जब ब्याज दर बढ़ा दिए जाए तो बैंक अपने ब्याज, मतलब आरबीआई ने अपने रेपो रेट बढ़ा दिए जाए तो बैंक अपने ब्याज दर बढ़ा देगी तो मैं लोन नहीं लूंगा, मेरे जैसे बाकी भी लोग लोन नहीं लेंगे, तो जो चीजें हैं वो खरीदी नहीं जाएगी तो डिमांड कम होगी तो वैल्यू कम होगी तो प्राइजेस कम होगी। समझ में आ रहा है? यही सारी चीज यहां पर मैंने थियोरी में बताई हुई है जिससे कि आप मेंस में लिख पाओ, ठीक है। यही पूरा सर्कल जो है मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है। तो यहां पर आप देख सकते हो कि डिसेलरेट जब होता है तो क्या होता है, इंटरेस्ट रेट हाइक, तो यहां पर लोअर इकोनॉमिक ग्रोथ स्लोअर इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट कट हायर इकोनॉमिक ग्रोथ फास्टर इन्फ्लेशन। तो जब भी हमारी इकोनॉमी को बूस्ट करना है तो इंटरेस्ट रेट कम किए जाते हैं। हमारी इकोनॉमी स्लो चल रही थी तो उसे बूस्ट करना था तो इंटरेस्ट रेट अभी तक कम हो रहे थे, लेकिन अभी इन्फ्लेशन जो है बढ़ता हुआ नजर आ रहा है तो इसीलिए यहां पर क्या किया जा रहा है, उसे स्थिर रखा जा रहा है। अब आपके मन में सवाल आएगा, आना चाहिए अगर आप इकोनॉमी अच्छी तरीके से फॉलो करते हो, सवाल आना चाहिए। इकोनॉमी इज ऑल अबाउट क्वेश्चनिंग। आपके मन में सवाल आना चाहिए कि जब आप ये बोल रहे हो कि इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ रहा है तो हमें तो देखने को मिलता है कि जब इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो हमें ब्याज दर बढ़ाने चाहिए, है ना। जब इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो ब्याज दर बढ़ाने चाहिए, लेकिन यहां पर क्या किया है, कांस्टेंट रखा है। ऐसा क्यों? क्योंकि यहां पर पेचीदा हमें सिनारियो देखने को मिल रहा है। पेचीदा सिनारियो क्यों देखने को मिल रहा है कि जीडीपी जो है वो हो रही है कॉन्ट्रैक्ट, मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हो रही है लेकिन इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हो रही इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। बेसिकली क्या होता है कि हम ब्याज दर कम करते हैं, कम क्यों करते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ होने के लिए, और उससे इन्फ्लेशन बढ़ता है, लेकिन इन्फ्लेशन तो बढ़ रहा है इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हो रही है, इसे हम कहते हैं स्टैगफ्लेशन, मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ भी कॉन्ट्रैक्ट हो रही है और इन्फ्लेशन भी बढ़ रहा है। ऐसे सिनेरियो में करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या, ऐसा हो जाता है कि यहां पर अगर हम जो इंटरेस्ट रेट है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो इंटरेस्ट रेट बढ़ा दे इन्फ्लेशन को कम करने के लिए, तो ग्रोथ और कम हो जाएगी क्योंकि ग्रोथ तो कम ही हो रही है, और अगर इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ रहा है लेकिन इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए अगर हम ब्याज दर कम कर देते हैं, रेपो रेट कम कर देते हैं, तो इन्फ्लेशन और ज्यादा बढ़ जाएगा और प्रॉब्लम हो जाएगी। तो यहां आता है करे तो करे क्या, बोले तो बोले क्या। तो ऐसे सिनारियों में यहां पर स्टैग्नेंट जो है वो रखा गया आरबीआई के द्वारा कि भैया हम स्टैग्नेंट रख रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, ठीक है, ऐसा हमें देखने को, इसे हम स्टैगफ्लेशन की सिचुएशन जो है वो भी बोलते हैं, क्लियर है। तो ये पूरा सिनारियो यही हमें देखने को मिलता है। तो इसीलिए यहां पर जो आरबीआई है उन्होंने अपना स्टैग्नेंट रखा है एट प्रेजेंट कि भाई हमें अभी क्लैरिटी नहीं है कि क्या होगा क्या नहीं, फूड इन्फ्लेशन क्या होगा, उस हिसाब से फिर आगे 2 महीने के बाद जो पॉलिसी आएगी उसमें तय किया जाएगा कम करना है या क्या करना है, ठीक है, क्लियर हो गया आपको। तो अब यहां पर जो आरबीआई है
उन्होंने बोल रहे हैं कि रूरल इकोनॉमी जो रिकवरी हो रही है, हमने भी देखा है रूरल इकोनॉमी में ज्यादा रिकवरी हो रही है, जो फार्म सेक्टर है वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो ये सारी चीजें हमें देखने को मिल रही है। तो आगे आने वाले टाइम में देखने को मिलेगा कि वॉलिटिलिटी जो है वो ज्यादा होती है, अर्बन इकोनॉमी भी आगे बढ़ती है, क्या होता है ये आगे आने वाला वक्त ही बताएगा। अब यहाँ पर अगर आप देखो तो न्यू रिस्ट्रक्चरिंग फ्रेमवर्क जो है वो भी हमें देखने को मिल रहा है स्ट्रेस्ड एसेट का। अब देखिए यहाँ पर मॉरेटोरियम जो है दिया जा रहा है, मतलब आपको 3 महीने तक कोई भी किश्त नहीं देनी है। अब 3 महीने के बाद पता चलेगा कि भैया किस्त जो है आगे भी आती है या नहीं आती, कि वैसा वैसा खंडन दो पार रहता है। तो इसके लिए यहाँ पर बोला जा रहा है कि फ्रेमवर्क जो है लगाया जाएगा, मतलब यहाँ पर आरबीआई बोल रही है कि यहाँ पर रिस्ट्रक्चर किया जा सकता है। अगर कोई ऐसा है कि जिसके हाई, मतलब यहाँ पर उसने डिफॉल्ट नहीं किया है, तो उसका रिस्ट्रक्चरिंग हम कर सकते हैं। रिस्ट्रक्चरिंग मतलब कैसे, कि आपको यहाँ पर कितने देने थे, अभी जैसी ये मॉरेटोरियम का टाइम पीरियड खत्म हो जाता है वैसे आपको कितने देने हैं, आपको यहाँ पर देने हैं हर महीने के 1 लाख रुपए। तो आप एक काम करो, 1 लाख में दो 50,000 से ही शुरुआत करो, तो ये रिस्ट्रक्चरिंग हो सकती है। ऐसा मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ कि कुछ ऐसा रिस्ट्रक्चरिंग किया जा सकता है जिससे कि एनपीए ना बढ़े, क्योंकि ऐसी संभावना जताई जा रही है कि एनपीए जो है काफी ज्यादा बढ़ जाएंगे, ठीक है, एस हाई एस 14.7%, ठीक है, बढ़ जाएंगे। तो इसके लिए कुछ रिस्ट्रक्चरिंग जो है की जा सकती है, ऐसा आरबीआई की तरफ से देखा जा रहा है। अब नेक्स्ट यहाँ पर आता है लास्ट हमारा बैंक एंड कोविड पेन, ठीक है, बैंक एंड कोविड पेन। अब यहाँ पर कोविड जो है वो यहाँ पर डीप पेन जो है वो क्रिएट कर रहा है, तो इससे 5 पिलर स्ट्रेटजी जो है वो लाई गई है। 5 पिलर स्ट्रेटजी की क्या होना चाहिए बैंक जिससे अच्छा परफॉर्म करे, 5 पिलर स्ट्रेटजी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला यहाँ पर आता है बैंक कॉम्पिटिशन, मतलब बैंक की कॉम्पिटिशन यहाँ पर बढ़ा दो। अभी अगर हम देखें इंडिया में 1924 में 82 बैंक थे, 1947 में 97 बैंक थे, और 95 कमर्शियल बैंक्स आज हमें देखने को मिलते हैं, कमर्शियल बैंक्स 95। सोशलिज्म इसेंशियली एक कैपिटलिज्म है जहां पर कंपटीशन जो है खत्म कर दी जाती है। कितना जबरदस्त स्टेटमेंट है ये, आप देखिए, मतलब अगर आपको सोशलिज्म के ऊपर कोई अगर एसे में पूछा जाता है तो ये आप कितना जबरदस्त लिख सकते हो कि सोशलिज्म इज एसेंशियली कैपिटलिज्म विदाउट कॉम्पिटिशन। मतलब यहाँ पर क्या कॉम्पिटिशन ही हटा दिया कि किसी के बीच में कॉम्पिटिशन, सबको सरकार देख रही है, भैया तुम क्या अमीर बनोगे, आओ हम करेंगे तुमको, तो इस तरीके से हमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर आरबीआई जो है उसने क्या किया है, वन टैप लाइसेंसिंग यहाँ पर लाया है कि तुम कभी भी मेरे पास आ सकते हो, लाइसेंसिंग जो है वो ले सकते हो। तो अभी भी काफी एप्लीकेशन पेंडिंग है, तो हमें ज्यादा से ज्यादा बैंक्स यहाँ पर लाने पड़ेंगे, जिससे क्या होगा, ज्यादा बैंक्स आएंगे तो ज्यादा कॉम्पिटिशन जो है वो बढ़ेगी, ज्यादा कॉम्पिटिशन बढ़ेगी तो ज्यादा अच्छा हमें रिजल्ट देखने को मिलेगा। दूसरा प्राइवेट बैंक गवर्नेंस, अभी देखो हाल ही में अगर आप देखोगे येस बैंक देखिए, बाकी जो बैंक्स है वो देखिए, उनका गवर्नेंस कुछ सही नजर नहीं आ रहा है, मतलब गवर्नेंस जो है उसमें प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, प्रॉफिट कमाने के लिए या फिर शेयर होल्डिंग बढ़ाने के लिए या फिर शेयर प्राइसेस इंक्रीज करने के लिए वो अपने एनपीएस नहीं बताते हैं, है ना, वो इस तरीके की चीजें करते हैं, तो इसलिए काफी एक्सीडेंट्स हमें देखने को मिल रहे हैं बैंक्स के। तो इसीलिए यहाँ पर क्या है कि हमें जो गवर्नेंस है उसमें इंक्रीज करना पड़ेगा, मतलब यहाँ पर प्राइवेट बैंक की जो गवर्नेंस है उसे जागीर से यहाँ पर बेटर अमानत के तौर पर लेकर जाना पड़ेगा कि भैया ये अगर हम डिपॉजिट कर रहे हैं बैंक में पैसा तो ये उनकी जागीर नहीं हो रही है बैंक वालों की, ये अमानत है जो हम उनके पास रख रहे हैं, उन्हें वापिस देनी है हमें, ठीक है। तो इस तरीके से हम जो पैसा डिपॉजिट कर रहे हैं उनसे खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं, तो ये चीज यहाँ पर बोली जा रही है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज बोली जा रही है कि प्राइवेट बैंक का जो गवर्नेंस है उसमें रिफाइंड यहाँ पर लाया जाना चाहिए, गवर्नमेंट बैंक के गवर्नेंस में भी लाना चाहिए। गवर्नमेंट का गवर्नेंस मतलब क्या है, फोन पे, कि गवर्नमेंट की तरफ से किसी ने फोन कर दिया, हाँ भैया वो आ रहा है मेरे तरफ से आदमी, उसको लोन दे देना, मेरा खास है, हाँ ठीक है दे देंगे, ये देखने को मिलता है। तो ये यहाँ पर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली क्या है कि हमें जो गवर्नेंस है उसे यहाँ पर सुधारना पड़ेगा, ठीक है, टोन फ्रॉम द टॉप जो है वो सुधारना पड़ेगा यहाँ पर, ऐसा नहीं चलेगा, फोन पे सारी चीजें नहीं होने वाली है, ठीक है, ये यहाँ पर होना पड़ेगा। और उसी के साथ साथ यहाँ पर कैपिटलाइजेशन जो है वो भी इंक्रीज करना पड़ेगा, ये भी चीज यहाँ पर काफी ज्यादा जरूरी हो जाती है। और फिर आता है आरबीआई का रेगुलेशन एंड सुपरविजन, आरबीआई जो है वो रेगुलेट सुपरवाइज करती है, लेकिन फिर भी यहाँ पर हमें ऐसे एक्सीडेंट देखने को मिलते हैं, केसेस देखने को मिलते हैं। देखिए जीरो फेलियर बैंक्स का ये इम्पॉसिबल है, लेकिन फिर भी जो आरबीआई है उसने यहाँ पर स्टेटरी ऑडिटर, एथिकल कंडक्ट, शेयर होल्डर का सेल्फ इंटरेस्ट, रिस्क मैनेजमेंट, ये सारी चीजें देखनी चाहिए, जिससे कि जैसे यस बैंक का कांड हुआ है वैसे और जो कांड है वो ना हो पाए, तो ये भी एक जरूरी है आरबीआई का रेगुलेशन। और आता है नॉन बैंक रेगुलेटरी स्पेस, देखिए बैंकिंग सिस्टम होती है और नॉन बैंक फाइनेंशियल कंपनीज होती है, अब ये अलग होती है, नॉन बैंक फाइनेंशियल कंपनीज बैंक की तरह काम नहीं करती है, लेकिन ये पैसा प्रोवाइड करती है ना, लिक्विडिटी प्रोवाइड करती है। इसीलिए यहाँ पर क्या होना चाहिए, जो एनबीएफसी है उनको भी यहाँ पर फाइनेंशियल इंक्लूजन में इंक्लूड करना चाहिए, उनके लिए भी अच्छी खासी सहूलत लानी चाहिए, उनके लिए भी प्रॉपर जो रेगुलेटरी स्पेस है, सुपरविजन का स्पेस है वो वहां पर दिया जाना चाहिए, ये यहाँ पर बोला जा रहा है।
तो यहाँ पर हम देखते हैं मैप बेस्ड एक्सरसाइज, तो मैप बेस्ड एक्सरसाइज का जवाब जो है वो है न्यूजीलैंड। तो यहाँ पर आपको न्यूजीलैंड जो है वो देखने को मिलता है, इससे रिलेटेड जीएलएनडी ये भी आपको पता होगा, काफी न्यूज में चल रहा था, ये ऑस्ट्रेलिया है। और उसी के साथ साथ यहाँ पर आपको इंडिया जो है वो देखने को मिलेगा, भारत। तो इस तरीके से पूरा सिनारियो हमें देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर आप जापान जो है वो देख सकते हो, हिरोशिमा नागासाकी। तो यहाँ पर हमारा वीडियो जो है वो खत्म होता है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि डिस्काउंट जो है वो चल रहा है, तो डिस्काउंट में आप जितना ज्यादा सब्सक्रिप्शन हो सके ले लीजिए, आपको बहुत फायदा मिलेगा एमएम एकेडमी का। आपको लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन मिल जाएगी, तो जल्द से जल्द एनरोल कीजिए। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। जय हिंद।